हेलो दोस्तों, ऊपर जो हमने बहुत सारा जो कचरा पड़ा है, बहुत सारे सवाल आए हैं, तो उनके आंसर की मैं तलाश ज़रूर करूंगा। जैसे कि SFT नेटिंग, डेरिवेटिव नेटिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या लॉजिक्स क्या हैं, और हमने एग्जांपल इस पे देखेंगे। जब हमने रिवर्स रैपो के एग्जांपल के बारे में बात की, वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे। वीडियो का पर्पस ये है कि एक सिंपल वॉक थ्रू ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, देन उन क्वेश्चन के ऊपर एक रिस्पेक्टिव वीडियो बनाऊंगा। और ये लंबी जर्नी होने वाली है, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अंत में क्लैरिटी तो ज़रूर ज़रूर आएगी, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने जब तक इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तब तक वीडियो बनाता रहूँगा इसी पर, इन्हीं टॉपिक्स पर। और एक चीज़ अगर समझ आ जाती है, कोई भी रिपोर्ट, मेरा ये मानना है किसी भी फील्ड में अगर आपको एक चीज़ ढंग से आ जाती है, आप उस एक चीज़ को ब्रिज करके बाकी सारी चीज़ें सीख सकते हो इजीली। तो हम इस एक चीज़ पे काम करेंगे एंड देन हम बाकी चीज़ों को बिल्ड करेंगे उसके आजू बाजू में। जैसे NSFR आ जाएगी तो हम LCR पे जाएंगे, ALMM जाएंगे, AE पे जाएंगे, और जितने भी कैपिटल के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उस पर जाएंगे। एंड देर आर अदर करेंसीज के एक्सपोजर के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स पे जाएंगे, डेरिवेटिव्स के एक्सपोजर के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स पे जाएंगे, लेकिन पहले एक आ जाए। जब तक इस जर्नी में मैं हूँ, वीडियोस तो आती रहेंगी और आप इन्जॉय करते रहना अगर आपके लिए कोई रेलेवेंस है इस चीज़ का। तो ओके, कमिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारे पास RSF साइट। सो RSF ASF क्या होता है, ये आई एम क्वाइट श्योर कि ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं कि जो इस फील्ड में हैं, जो इनको पता ही नहीं है वो कहाँ पे देख रहे होंगे। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट नो RSF क्या होता है। तो यहाँ पे RSF की चीज़ें आएंगी। कमिंग टू द अमाउंट ऑफ नॉन HQLA, यहाँ से 10 और 30 रोज़ में नॉन HQLA आता है। इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करना है 10 से 30 रोज़ में द अमाउंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन चैप्टर 4 ऑफ टाइटल 4 ऑफ पार्ट 6 ऑफ CRR ऑफ द एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो इन शॉर्ट आपको 10 और 30 कॉलम में अमाउंट ऑफ नॉन HQLA को रिपोर्ट करना है। द अमाउंट शैल बी रिपोर्टेड इन कॉलम 10-30 विच वन द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम इज नॉट एलिजिबल एज लिक्विड असेट परसुएंट टू द डेलीगेटेड अथॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे कम्प्लाई विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल 8 की या नहीं। आगे आए थे अमाउंट ऑफ HQLA, कह रहे अमाउंट ऑफ HQLA को आप रिपोर्ट करो, सी इंस्ट्रक्शन कॉलम 10-30, 40 में रिपोर्ट करो। द अमाउंट शैल बी रिपोर्टेड इन कॉलम 40 व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम इज एलिजिबल एज ए HQLA। तो अगर HQLA के लिए एलिजिबल हो तो इसमें कर दो, और अगर नॉन HQLA हो तो आपको 10-30 में कर लो। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड RSA फैक्टर के ऊपर। अब RSA फैक्टर क्या होता है, द स्टैंडर्ड फैक्टर्स इन कॉलम 50-80 आर दो स्पेसिफाइड इन चैप्टर 4 बाई डिफॉल्ट दैट वुड डिटरमाइन द पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इज दैट इज रिक्वायर्ड इन RSF। दे आर प्रोवाइडेड फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली एंड आर नॉट मेंट टू बी फिल्ड इन द बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो कैसा है कि 10, 20, 30, 40, फिर आ जाएगा 50, 60, 70, 80। तो कह रहे हैं कि 10 से लेकर 30 तक नॉन HQLA, 40 में HQLA, 50 से 80 में फैक्टर्स डालोगे, और 90 और 20 में उन फैक्टर्स से जो मल्टीप्लाई होगी अमाउंट वो आ जाएगी, और 130 में क्या होगा, लास्ट कॉलम में हमारे पास सम होगा, टोटल होगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेबल RSA फैक्टर्स होंगे जो 10 से लेकर 40 तक जो अमाउंट्स होंगी उनको 50 से लेकर 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हमारे पास 50 और 80 में आ जाएगा, और 90 और 120 में 90, 100, 110, 120। सो आप देखें यहाँ पे 40-40 का सेट है, 40 का सेट एक आ गया, 50, 60, 70, 80, 40 का सेट, चार कॉलम का सेट यहाँ पे आ गया, 9, 10, 11 और 12, चार लाइन का सेट यहाँ पे आ गया, 4, 4, 4, 12 हो गया, और 13th लाइन है जिसे 130 कहा गया है, उसमें हमारे पास सम आ जाएगा ASRSF वाली लाइन्स का, ये जो सम आ जाएगा इनका। आगे जाते हैं अब स्पेसिफाइड रोज, तो यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 यहाँ पे कॉलम्स होंगे 1 से लेकर 13 तक, तो इनको इन्होंने 10 से स्टार्ट किया और 130 तक जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रोज़ होंगी। तो ये आ गया रोज़ ABCD, रोज़ हो गया, और यहाँ पे कॉलम होंगे 13 को तक कॉलम होंगे। सो एवरी रिपोर्ट है सिमिलर स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं इनमें रोज़ कौन कौन सी हैं। पहला रोज़ आता है RSF का, 10 को कहा गया कि RSF इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर आइटम सब्जेक्ट टू द RSF इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 4।
ये आएगा। आगे आया था 20 में लिखा है कि आपको सेंट्रल बैंक एसेट्स को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हर सेंट्रल बैंक एसेट्स। हेयर सेंट्रल बैंक एसेट्स नोट डैट रिड्यूस आरएसए फैक्टर में अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद। ओके, आगे आता है 30 में क्या होगा। 30 में कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स एचक्यूएल एक्सपोजर को जो सेंट्रल बैंक में है वो आपको रिपोर्ट करने हैं। 20 में सेंट्रल बैंक एसेट्स, 30 में रिजर्व कैश एचक्यूएल एक्सपोजर टू सेंट्रल बैंक्स। इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर कैश एंड रिजर्व्स एट सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग एक्सेस रिजर्व। इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो रिपोर्ट हेयर एनी अदर एक्सपोजर टू सेंट्रल बैंक डेट आर कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स पर्सुएंट टू द डेलीगेटेड रेगुलेशन रिगार्डलेस इफ दे कंप्लाई विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट रेफर्ड एज टू आर्टिकल 4 ऑफ द डेलीगेटेड रेगुलेशन। सो अभी तो हम आर्टिकल एक्स 1, 2, 3 ये पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 8 भी पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स का रेफरेंस है। आई होप कि इस पूरे लेक्चर में लास्ट में बताया होगा कौन सा आर्टिकल कहाँ कहाँ है, तो उसके हम आराम से रेफर कर सकें। पर देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम कंट्रोल एफ करके आर्टिकल देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं, फिर उन आर्टिकल पे अलग से वीडियो बना देंगे। इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर कैश एंड रिजर्व एट सेंट्रल बैंक। तो 30 में क्या होगा, कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक होगा इंक्लूडिंग एक्सेस रिजर्व। इंस्टीट्यूशन शैल ऑल्सो रिपोर्ट हेयर एनी अदर एक्सपोजर टू सेंट्रल बैंक दैट आर कंसीडर्ड एज लिक्विड एसेट्स। 40, the amount reported in 1.1.1 that is related to the assets that are unencumbered or encumbered for a residual maturity of less than 6 months. So 40 में क्या आएगा, हमारे पास 40 रो है, इस 40 को आप HQL ever consider, HQL नहीं मानना, this is 40, तो यहाँ पर क्या रो है, 40 रो में आएगा, फोर्थ रो कह सकते हैं, फोर्थ रो में हमारे पास आएगा amount reported in 1.1.1 that is related to assets that are unencumbered or encumbered for a residual maturity of less than 6 months. सो 40 रो में क्या आएगा, हमारे पास आएंगे अनअकम्बर्ड एसेट्स आएंगे, एक चीज़। सेकंड, अकम्बर्ड एसेट्स भी आ सकते हैं लेकिन इनकी जो मेच्योरिटी होनी चाहिए वो 6 महीने से कम होनी चाहिए, विल बी लेस देन 6 मंथ मेच्योरिटी। अब है 50, अकम्बर्ड फॉर ए रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ लीस्ट 6 मंथ बट लेस देन 1 ईयर। सो 6 से 1 साल, पहले हमारे पास है लेस देन 6 मंथ, फिर आज 6 से 1 साल, यहाँ पर ही आ जाएगा। 50 में क्या आएगा, अकम्बर्ड फॉर ए रेजिडुअल मेच्योरिटी, इसमें हम एसेट की वो अमाउंट डालेंगे जो अकम्बर्ड होगा रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर। 60 में क्या आएगा, 60 में आएगा अकम्बर्ड फॉर रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। 70 में क्या आएगा, 70 में आएगा अदर नॉन एचक्यूएल सेंट्रल बैंक एक्सपोजर्स। इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट अदर क्लेम्स ऑन सेंट्रल बैंक्स अदर देन दोज रिपोर्टेड इन 1.1.1। तो 1.1.1 कौन सा है, 1.1.1 ये है 1.1.1। ओके, पेन पे ले लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो 1.1.1 के ऊपर है 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, तो कैसा है दोस्तों, इट्स ये कुछ इस प्रकार है, मैं इसको और पतला कर देता हूँ इसको, इट इज़ लाइक दिस। ये जो ये है, ये है समरी लाइन, इसको हम समरी लाइन कह सकते हैं। और 1.1, 1.2, 1.3 ये और ये, इसका आ जाएगा हमारे पास उसी का टोटल को डिफाइन किया गया। अगर आप लेस देन 6 मंथ हो तो 40 में डाल दो, अगर 6 मंथ से 1 साल हो तो 50 में डाल दो, अगर 1 साल से ज़्यादा हो तो 60 में डाल दो, और 30 हमारे पास समरी लाइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हो गया, पेन चल जा, तो पेन क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे 1.1.2, सो दिस इज अनदर लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ कि इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर अदर क्लेम्स ऑन सेंट्रल बैंक अदर देन दोज रिपोर्टेड इन। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा अदर क्लेम्स। 80 लाइन में आ रहा है लिक्विड एसेट्स, इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर लिक्विड एसेट्स पर्सुएंट टू डेलीगेटेड रेगुलेशंस रिगार्डलेस इफ दे कंप्लाई विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट रेफर टू इन आर्टिकल 8। 90 में हमारे पास आ रहा है इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर एसेट्स डेट आर एलिजिबल एज लिक्विड लेवल 1 लिक्विड एसेट्स एंड शेयर्स और यूनिट्स इन CIU CIU डेट आर एलिजिबल फॉर 0% हेयर कट पर्सुएंट टू डेलीगेटेड रेगुलेशंस। नोट डेट अदर दैट एसेट्स अकम्बर्ड फॉर रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर इन और मोर इन अ कवर्ड पूल ऑफ ए कवर्ड बॉन्ड रेफर्ड इन आर्टिकल दिस ना विच मीट द एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रीटमेंट एज सेट आउट इन आर्टिकल दिस ना शैल नॉट बी रिपोर्टेड हेयर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 70 तो हमारे पास आ गया कि यहाँ पे आएगा अदर क्लेम्स ऑन सेंट्रल बैंक एसेट्स। 80 में उन्होंने लिखा कि इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे लिक्विड एसेट्स को रिपोर्ट करना है, कौन से जो इस रेगुलेशन में लिखे हुए हैं, रिगार्डलेस इफ दे कंप्लाई विद ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 8 और नॉट। 90 में हमारे पास क्या, देखो अब अगेन दोस्तों ये सेम स्टार्ट हो गया,
ये जो है, दिस इज समरी लाइन। अरे बाबा, दिस इज समरी लाइन। और आगे इनके इन्होंने पार्ट्स किए हैं, 2.1, 2.2, 2.1.1। तो इसका ये पार्ट है, फिर इसका फर्दर ही आगे पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेवल वन एसेट्स आएंगे जो एलिजिबल हैं फॉर 0% LCR हेयर कट। इस वीडियो में ना हम जहाँ जहाँ पे LCR का रेफरेंस आया हुआ है तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। LCR में या इस रिपोर्ट में LCR का ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस HQLA पे ही है, लेवल वन लेवल टू। तो जब LCR पढ़ेंगे तो हम वो LCR का पोर्शन ज़रूर कवर करेंगे और उसको इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। यस, आगे आते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट हियर एसेट्स दैट आर एलिजिबल फॉर लेवल वन लिक्विड एसेट्स सन शेयर्स और यूनिट्स और NCIU सेंट्रल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स मे बी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट यूनिट्स बट CIU इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म। आई थिंक देखते हैं कि जहाँ पे मिल जाए तो हम लिख सकते हैं CIU क्या होता है। CIU, वेरी गुड वेरी गुड। FIN फाइनेंस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग। CIU होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग, लिख लेते हैं फिर ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग एक बार लिखा बेटर रहता है, हाथों से आप बोलते नहीं चीज़ों को। हाँ जी, यहाँ पर आएगा हमारे पास लिक्विड एसेट्स शेयर्स यूनिट्स इन CIU जो एलिजिबल हैं 0% हेयर कट के लिए। नोट डेट एसेट्स इनकम्बर्ड फॉर एज मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर इन ए कवर्ड पूल ऑफ ए कवर्ड बॉन्ड विच मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रीटमेंट एज सेट आउट इन आर्टिकल 129 शैल नॉट बी रिपोर्टेड हियर। दोस्तों ये एक रिपोर्ट ही आपस अपने आप में बद से बदतर बनती जा रही है। एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल का तीसरे आर्टिकल से रेफरेंस जो जा रहा है। कोई नहीं, हम डटे रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। जहाँ पर नहीं समझ आएगा वहाँ पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और उसको फिर समझाएंगे। जब तक बने हैं तब तक करेंगे। अनएकम्बर्ड, अब आ गया 100 में, 100 इसी का पार्ट है, 2.1 का ही पार्ट है। अनएकम्बर्ड या फिर एकम्बर्ड हैविंग रेजिड मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 6 मंथ्स, वो यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा लिक्विड एसेट्स के केस में। एकम्बर्ड या फॉर रेजिड मैच्योरिटी लेस देन 6 मंथ्स बट लेस देन 1 ईयर, तो 2.1.2 में हमारे पास आ जाएगा 6 से 1 साल वाले लिक्विड एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। 2.1.3 में मोर देन 1 ईयर आ जाएगा, एंड 1 ईयर मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर ही होता है। तो आ गए थे 1.2.2 में। अब 1.2.1 अगेन इज़ ए समरी लाइन। और यस, यहाँ तक समरी लाइन है, ये आई थिंक आई शुड नॉट, ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया बाबा, ये आया था। एंड इसको ओ माय गॉड, ये समरी लाइन है इसकी। अब आ जाते हैं हम इंस्टीट्यूशनल, अब 130, 140, 131, 141, 151, 160, ये सारा ही LCR को रेफर दिया गया। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आगे आगे थोड़ी डंकी लाइन। और कितने पेज आएंगे, ख़त्म ही नहीं हो रहा कम वक्त, बहुत ही ज़्यादा कचरा पट्टी है यहाँ तो। पर लेकिन हम प्लस अल्ट्रा टीम को फॉलो करते हैं तो हम कचरा सारा बर्दाश्त करेंगे और कचरे से हम सफाई की ओर जाएंगे। ओके, 1.2.2 यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लेवल वन एसेट्स वो आएंगे जहाँ पे ये वो वाले आएंगे जिनको 5% हेयर कट मिला हुआ है। और क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, शेयर आ सकता है, यूनिट आ सकता है CIU वाले आके। यहाँ पर कौन से आएंगे जो 6 और लेस, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लेस देन 6 मंथ्स, 6 से 1 साल, 1 साल से 1 से ज़्यादा, कौन सी आइटम्स हैं, यही वाली आइटम्स हैं। चलो जी, अब आए थे 1, 17, 18, 19, 20। तो किस हिसाब से है, अगेन सेम स्टोरी यहाँ पे भी वही है कि ये यहाँ पे है ये, और ये है समरी लाइन। चलो जी, इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करना है यहाँ पे एसेट्स जो जो एलिजिबल है लेवल वन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी कवर्ड बॉन्ड्स। यहाँ पे बॉन्ड आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड। आगे है जी, यस अनएकम्बर्ड, हाँ यहाँ पे वही, अगर आप 6 महीने से कम हो तो यहाँ पे, 6 से 1 साल हो यहाँ पे, 1 साल से ज़्यादा हो तो यहाँ पर। अब आए थे हम 2210, 21, 22, 23, 24, यहाँ पे कितना कंटेंट है,
सेम स्टोरी यहाँ पे भी है कि दिस इज समरी लाइन, ये समरी लाइन है 12%, इसमें कौन कौन सी आइटम आएंगी, इसमें शेयर्स और यूनिट आएंगी 12% हेयर कट वाले, एंड 6 महीने और 1 साल से ज़्यादा। यहाँ पे 15% वाली आइटम्स आ जाएंगी 25, 26, 27, 28 में, और 6 महीने 1 साल 1 साल से ज़्यादा। यहाँ पे आ जाएगा 20% LCR वाली आइटम्स, और यहाँ पे 6 महीने 1 साल 1 साल से ज़्यादा। फिर यहाँ पे आ जाएगा लेवल 2 भी, जो 25% LCR हेयर कट है, और यहाँ भी आ जाएगा 6 महीने 1 साल और 1 साल से ज़्यादा। और जब एक चीज़ कर लेते हैं दोस्तों, कि ये जो समरीज वाली लाइन है उन पर मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये समरी है और ये समरी है, और यहाँ पे आइटम्स कौन सी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आ रही है लेवल 2 एसेट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे लेवल 1 एसेट्स ही हैं, और जो ये समरी है हमारे पास, ये 20% है, और यहाँ पे शेयर्स और यूनिट आ रहे हैं NCIU, एंड यहाँ पे लेवल 2 भी सिक्योरिटाइजेशन वाली आइटम्स आ रही हैं, 25% इनको हेयर कट मिला हुआ है, और यहाँ पे यही लिखा होगा 6 महीने, यहाँ पे लिखा होगा कि ये 6 महीने 1 साल और 1 साल से ज़्यादा। अगेन यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये लेवल 2 भी वाली सिक्योरिटीज़ हैं, और यहाँ पे एक खास चीज़ है, इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हाई हेयर हाई क्वालिटी कवर्ड बॉन्ड एंड शेयर्स। तो देखो हाई क्वालिटी कवर्ड बॉन्ड एंड शेयर्स और यूनिट इन CIU जो एलिजिबल है 30% हेयर कट के लिए, और वही सेम स्टोरी 6 महीने से कम 1 साल तक और 1 साल से ज़्यादा। अब हमारे पास आते हैं लेवल 2 भी सिक्योरिटीज़, जहाँ पे आ जाएगा कि लेवल 2 भी सिक्योरिटीज़ और शेयर्स इन यूनिट्स CIU वेरे जो 35% हेयर कट है जिनमें, एंड नोट की एसेट्स एकम्बर्ड फॉर एज मेच्योरिटी 1 ईयर और मोर इन कवर पूल ऑफ कवर्ड बॉन्ड रेफर्ड ये वाला विच मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रीटमेंट इतना शैल नॉट बी रिपोर्टेड हेयर इन आइटम 1.3। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ कि एक्सेप्शन दिया कि देखो इसको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर देना, ठीक है जी नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट करना है पहले वो समझ लेते हैं फिर वो समझ लेंगे जिसको रिपोर्ट नहीं करना। ओके आगे आए थे हम, तो ये हमारे पास मेन लाइन है और ये इसकी 1, 2, 3 लाइन आई थी, उसके बाद लेवल 2 भी सिक्योरिटी 40% हेयर कट है, ये मेन लाइन है, और यहाँ पे हम आई थी 1, 2, 3 लाइन आई थी, लेवल 2 भी सिक्योरिटी 50% हेयर कट है, ये मेन लाइन है, और 1, 2, 3 सिक्योरिटीज। उसके बाद है अनकम्बर्ड, हाँ नहीं 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 हाँ यहाँ पे मेन लाइन है और यहाँ पे 1, 2, 3 सिक्योरिटीज आ गया, ये मेन लाइन है, HQL है अकम्बर्ड फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी 1 ईयर और मोर इन ए कवर पूल, तो ये यहाँ पे आएंगे। द अमाउंट रिपोर्टेड इन 1.2 विच इज रिलेटेड टू एसेट्स दैट आर अकम्बर्ड फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर इन ए कवर पूल फंडेड बाय कवर्ड बॉन्ड्स और कवर्ड बॉन्ड्स विच मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेट आउट इन आर्टिकल इतना 560 में इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट हेयर सिक्योरिटीज दैट आर नॉट इन डिफॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद इस, जो 560 में आएगा सिक्योरिटीज जो हैं अदर देन लिक्विड एसेट्स। अब वो रोना ख़त्म हो गया LCR वाला, क्योंकि LCR वाला एक स्टैंडर्ड था कि LCR में LCR की मेन लाइन और फिर उसके 3 पार्ट, LCR की मेन लाइन आगे 3 पार्ट, LCR की मेन लाइन फिर आगे 3 पार्ट, और फिर उसमें LCR की मेन लाइन उसके जो 15%, 5%, 12%, 55% जो सारा आए थे। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं आस्ता आस्ता बोलने का, क्योंकि दिस आर नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट अमाउंट और लिखो। जो पहली वीडियो में कुछ चीज़ें मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। नॉन एच क्यूएल सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटीज, द अमाउंट रिपोर्टेड इन 1.3 इज दैट इज रिलेटेड टू नॉन एच क्यूएल सिक्योरिटीज अदर देन नॉन एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटीज एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज रिपोर्टेड अंडर 1.3.3 एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटीज शैल बी रिपोर्टेड इन 1 or more than 1 year टाइम ब्रैकेट। ओके यहाँ पे 1.3.3 में क्या रेफर किया है दोस्तों, 1.3.3 में रेफर किया है नॉन एच क्यूएल सिक्योरिटीज अकम्बर्ड फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी 1 year और मोर इन कवर पूल। ये कवर बॉन्ड क्या होता है, कवर पूल क्या होता है, तो ये हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं कवर बॉन्ड, कवर पूल में क्या फ़र्क है। तो HQLA accumbered for residual maturity of 1 year or more in a cover pool, the amount which relates to assets that are accumbered for residual maturity of more than 1 year, वो इस 555 में आएगा। RSF for security other than liquid assets, तो इसमें लिखा गया है कि institution shall report her securities that are not in default with this, that are not liquid assets, and article 178 CRR में जो securities mention किए ना वो यहाँ पे आएंगी। नॉन एच क्यूएल सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, तो इसमें आ जाएगा 570 में ये आ जाएंगी।
और वो कौन सी ETF हैं, ETE हैं, एक्सटेंडेड इक्विटीज हैं जो 1 ईयर और मोर वाली टाइम पीरियड वाली होंगी। 580 में लिखा हुआ अनकम्बर्ड या फिर एनकम्बर्ड फॉर एराइज मेचोरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। 590 में हमारे पास आ जाता है अमाउंट रिपोर्टेड 1.31 रिलेटेड टू एसेट्स डेट आर एनकम्बर्ड फॉर एराइज मेचोरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। नॉन एचक्यूएल नॉन एक्सचेंज ट्रेड इक्विटीज में हमारे पास आया था अमाउंट रिपोर्टेड 1.3 डेट इज रिलेटेड टू नॉन एक्सचेंज ट्रेड इक्विटीज एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटीज रिपोर्टेड एट 1.3.3। अब हमारे पास 610 में हमारे पास आ जाएगा द अमाउंट नॉन एचक्यूएल सिक्योरिटीज एकम्बर्ड फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर इन अ कवर्ड पूल। द अमाउंट रिपोर्टेड 1.3 विच इज रिलेटेड टू एसेट्स दैट आर एकम्बर्ड फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और इन कवर्ड पूल फंडेड बाय द कवर बॉन्ड्स डायरेक्टिव, ये वाली ईयू की है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो दोस्तों नॉन एचक्यूएल सिक्योरिटीज जो एकम्बर्ड है फॉर रेजिडेंट मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए जो स्पेसिफिक इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर तक, जितना भी पढ़ा ना सारा कचरा ही है, एक्सेप्ट कि सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स हैं वो शायद 20 में जाएंगे और 30 में कैश रिजर्व आएगा। तो ये एक अच्छी लाइन है, इसके ऊपर बाकी सब कुछ बेकार ही लगा मुझे, कुछ ढंग का तो मिला नहीं। सेंट्रल बैंक के एसेट्स 20 में आएंगे और उस इसको इन्होंने आगे यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है 30 में कि कैश रिजर्व्स HQL है। तो ये भी इनफैक्ट दोस्तों ये भी समरी लाइन ही है, मेन सारा सीन तो यहाँ पे आता है माल यहाँ पे, कि अगर लेस देन 6 मंथ्स हैं कौन से ये 3 चीज़ें कैश रिजर्व और HQL एक्सपोजर, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक इतना और इतना आ जाएगा, 6 महीने 1 साल और 1 साल से ज़्यादा, दैट्स इट। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट लगा, बाकी तो हमारा LCR लिखा हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं जी RSF फ्रॉम लोन्स पे, टिंग टिंग टिंग, ये हमें लगता है कि थोड़ा डंक होगा। तो इसकी हम अब आगे वाली वीडियो में थोड़ा अच्छा माल आएगा, अच्छा कंटेंट आएगा, तो वो हम पढ़ते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो लंबी ना हो जाए इससे छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो दो देखने वाला वो भी देखेगा, चलो अच्छी 5-10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, पर बड़ी बनाएंगे तो किसने सुननी है, किसने सुननी, वैसे भी किसने नहीं सुननी, क्योंकि ये माल पढ़ने वाले लोग बड़े कम है धरती पे। तो आप इतने देर बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।